हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, मैंने मोस्टली ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है। इसी वजह से वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मिस्टेक करते हैं। तो आज मैं आपके सामने यही कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ, जिसमें इनके मीनिंग के साथ साथ इनके एक्सपेंसिस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं। ये कहिए, ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। लाइक, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, वाटर बिल, रेंट, सैलरी, वेजेस एट्सेट्रा, ये सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनको पे किए बिना बिजनेस तो चलता ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होते हैं ये आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं, मतलब कि कम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, इसका मतलब होता है प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। सपोज करते हैं कि मेरा बुक्स बनाने का काम है और बुक्स को बनाने में मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आती है 200 रुपीज़। अब मैं उसको मार्केट में बेचना चाहती हूँ। ऑब्वियसली मैंने बिजनेस इसीलिए किया है कि मैं प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करूँ, वो सेल होती है 300 में। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना होगा? जो मैंने सामान बेचा माइनस जितना मैंने उसको बनाने में खर्चा किया, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 100 रुपीज़, राइट? अब ये तो एक बुक की बात है, बट मैं तो बहुत सारी बुक सेल करती हूँ और 100 रुपीज़ पर बुक के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट मिल जाता है। अब ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आप ये समझिए कि सभी एक्सपेंसेस पे करने के बाद, टैक्सेस पे करने के बाद जो प्रॉफिट हमारे हाथ में रह जाता है और फिर उस प्रॉफिट को हम आगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसे कहा जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, इसे आप यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कह सकते हो कि हमने प्रॉफिट को कैसे यूटिलाइज किया, पार्टनर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। आई बात समझ में? कि सब कुछ पे करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होगा? ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं, जिनको पे किए बिना बिजनेस हाउस का काम नहीं चलता। ठीक है ना, अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रेंट। अगर आपने किसी की बिल्डिंग, हाउस या कोई रूम रेंट पर ले रखा है और उसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो रेंट आप पे कर रहे हैं वो कौन सा एक्सपेंस है? बिजनेस का एक्सपेंस है, क्योंकि आप बिजनेस के प्रोडक्शन के लिए जो खर्चा करते हो वो बिजनेस का एक्सपेंस होता है, और इसीलिए आप इस रेंट को कहाँ दिखा देते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब जो एक्सपेंस P&L में आ जाता है उसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कह देते हैं, राइट? लेकिन डाउट तब होता है जब क्वेश्चन में वो बोल देता है पार्टनर का एक हाउस है जो हमने प्रोडक्शन के लिए यूज़ करा है और उस पर हम रेंट दे रहे हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि पार्टनर का नेम देखते ही वो सोचते हैं कि ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि स्कूल में हमें टीचर ने बताया था या कॉलेज में हमें सिखाया गया था कि जो एक्सपेंस पार्टनर के लिए किया गया, मतलब जो खर्चा पार्टनर के लिए किया गया वो अप्रोप्रिएशन है ना, बट ऐसा नहीं है। आप कॉन्सेप्ट का समझिए, मतलब समझिए। पार्टनर का घर आपने रेंट पे लिया है किस चीज़ के लिए लिया है? बिजनेस का प्रोडक्शन करने के लिए। अब आप अगर बिजनेस का प्रोडक्शन कर रहे हो और उस पर आपको रेंट देना पड़ रहा है, तो वो बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, और जो चीज़ बिजनेस का एक्सपेंस हो गया वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा हो जाता है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा बन गया ना। तो इसीलिए पार्टनर को जो रेंट दिया जा रहा है, अगर बिजनेस ने वो रेंट पे किया है बिजनेस के खर्चे के लिए, मतलब बिजनेस के प्रोडक्शन के लिए अगर वो चीज़ यूज़ हुई है, तो वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा होगी, फिर वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कभी भी माना नहीं जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बात करते हैं हम सैलरी की। सैलरी अगर आप किसी एम्प्लॉई को दे रहे हो तो ऑब्वियसली वो बिजनेस का एक्सपेंस है, और जो बिजनेस का एक्सपेंस है वो P&L में आता है, और जो चीज़ P&L में आती है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। ठीक है, लेकिन अगर यही सैलरी पार्टनर की हो जाए तो पार्टनर को जो खर्चा किया गया पार्टनर के ऊपर, वो क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हमारी डीड में बोला गया था कि भाई फलाने फलाने पार्टनर को सैलरी दी जाएगी। तो अगर डीड के अकॉर्डिंग आप किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हो तो वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है जी, आई बात समझ में? अब ये तो हुआ इनका मीनिंग और एक दो एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको इनका डिटेल डिफरेंस सिखाती हूँ।
हैव अ लुक ओवर द बेसिस ऑफ डिफरेंस. फर्स्ट इज नेचर. तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स. ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो प्रॉफिट में से डिडक्ट करने ही पड़ते हैं, यानी कि पे एंड एल अकाउंट जब आप बनाते हैं तो इन एक्सपेंसेस को वहाँ शो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं और अनअवॉइडेबल हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग वेरियस हेड्स. अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का नेचर ये होता है कि जो प्रॉफिट वेरियस हेड्स यानी कि वेरियस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम अप्रोप्रिएशन कहते हैं. सेकेंड, रिकॉर्डिंग. ऑब्वियसली ये वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं ये पे एंड एल अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, और जो हमारे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किए जाते हैं. नेक्स्ट, नेसेसिटी. जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अनअवॉइडेबल हैं, मतलब अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो आपको ये एक्सपेंसेस पे करने ही पड़ेंगे. ये थर्ड पार्टी की पेमेंट होती है और ये देनी ही पड़ेगी. सो इट इज़ नेसेसरी टू मेक चार्जेस अगेंस्ट इवन इफ लॉस. आपको चाहे लॉस भी हो रहा हो तब भी ये एक्सपेंसेस पे करने ही पड़ेंगे. लेकिन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो सिर्फ तभी होता है जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा है. अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. अगर पार्टनर ने आपको कोई लोन दिया और उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो अनअवॉइडेबल एक्सपेंस है, यू हैव टू बियर. रेंट पेड टू पार्टनर. पार्टनर को आपने रेंट पे किया है क्योंकि आप उसकी बिल्डिंग पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जो एक्सपेंस बिजनेस का हो गया वो पी एंड एल में आ जाता है, और जो चीज़ पी एंड एल में आ जाती है वो ऑटोमेटिकली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन जाती है. और इसके एग्जाम्पल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर के कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे आप अगर डीड में मेंशन है तो. देन सैलरी टू अ पार्टनर. इफ मेंशन इन डीड देन सैलरी यू हैव टू पे. तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जो डीड के अकॉर्डिंग किए जाते हैं. आई होप आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है. तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.